हे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। मैं रिजवान परमार, आपका आर्टिस्ट और होस्ट। ये वीडियो बस एक अपडेट वीडियो जैसा है। जैसा कि आपने नोट किया ही होगा कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आप सबको ये बताना था कि अब से वीडियोस हिंदी में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं वीडियोज़ हिंदी में बनाऊँ। इंग्लिश ठीक है अपनी जगह, लेकिन YouTube पर वीडियोस अपनी जगह। यहाँ पर हम कुछ सीखते हैं, एंटरटेन होते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अलग है, इसको मैं अलग ही रखना चाहता हूँ और अब से वीडियोस हिंदी में। क्योंकि एक व्यूअर ने भी मुझे कहा है कि रिजवान भाई बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, हर कोई पढ़ा लिखा ही होता है मोस्टली, और इंग्लिश तो हर कोई जानता ही है। लेकिन जब भी कंटेंट बनता है, मूवीज़ बनती है, पिक्चर बनती है, जो कुछ भी बनता है वो हिंदी में बनता है, तो YouTube क्यों ज़बरदस्ती इंग्लिश में बनाने का? हम सब प्रेफर ही करते हैं इंडिया का कंटेंट हिंदी में देखना। तो मुझे लगा बात में दम तो है। मैंने काफ़ी गौर किया इस पर और इस नतीजे पर आया और फैसला कर लिया कि मैं भी अपने व्यूअर्स के लिए वीडियोज़ हिंदी में बनाऊंगा। मुझे भी बहुत सचमुच में अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगे। अब ज़रूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को। YouTube मुझे बताता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं 77% लोग सब्सक्राइब नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? सब्सक्राइब आज के आज ज़रूर करो और अब से हिंदी में कॉन्टेंट आएगा और बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि डिसीजन कैसा है, सही लिया, कैसा लिया, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सबका और मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा हर कमेंट का। तो ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब। अरे एक मिनट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक और। मेरी लिमिटेड एडिशन आर्ट प्रिंट्स अब लाइव है वेबसाइट पर। लिमिटेड एडिशन मैं आपको बता दूँ आर्ट प्रिंट होता क्या है। आर्ट प्रिंट उसको बोलते हैं कि आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग तैयार करता है तो एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा से उस पेंटिंग की तस्वीर ली जाती है, कैप्चर किया जाता है और उसको एडिट करके ओरिजिनल पेंटिंग के साथ मैच किया जाता है, ताकि दोनों ओरिजिनल और आर्ट का जो फोटो है वो एकदम मैच हो कलर कॉम्बिनेशन के साथ। होता क्या है कि जो ओरिजिनल वाली पेंटिंग होती है उसको आर्टिस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब तबाह कर देता है उसको, फाड़ना, डिस्ट्रॉय यानी, या तो फिर आर्टिस्ट अपनी कस्टडी में रखता है। डिस्ट्रॉय अलग अलग सेंस का भी होता है, उस आर्टिस्ट उसको चाहे तो फाड़ दे, जला दे, या तो उसके ऊपर कोई कलर गिरा दे, एकदम जैसे पेंटिंग को ख़राब कर दे। ओरिजिनल पेंटिंग या तो आर्टिस्ट की कस्टडी में या तो ख़राब हो जाती है। होता क्या है कि जो पिक्चर लिया हुआ है अब उसको सेल किया जाता है, उसको प्रिंट करके आर्टिस्ट कैनवास में उसको प्रिंट करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी थोड़ा ओरिजिनल पेंटिंग से सस्ते दाम में पड़ता है और आर्टिस्ट को भी नुकसान नहीं होता। विन विन सिचुएशंस होती है दोनों तरफ से। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, मॉल्स, ये सब प्रेफर ही करते हैं आर्ट प्रिंट्स खरीदना। अच्छा पड़ता है आर्टिस्ट को भी और ख़रीदने वाले को भी। लिमिटेड एडिशन उसको बोलते हैं कि जब प्रिंट बनती है तो अनलिमिटेड नहीं बनती। प्रिंट बनती है लिमिटेड एडिशन की, जो खास होती है नॉर्मल पेंटिंग से, जो सिर्फ और सिर्फ काउंट्स में होता है, जैसे 500, 300, 200, 100, 50, ऐसा करके काउंटिंग्स में बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती। और उसके ऊपर अगर बन जाए तो थोड़ा इल्लीगल है, बिल्कुल भी उसको नहीं बना सकते। तो वैसे ही मेरी लिमिटेड एडिशन आर्ट प्रिंट्स सिर्फ और सिर्फ 60 है, 60 अवेलेबल है, वो भी अलग अलग साइजेस में, आपको जो साइजिंग में चाहिए वो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सब उसको ज़रूर देखिए। और अगर इस चैनल को मुझे सपोर्ट करना है तो ज़रूर मेरी आर्ट प्रिंट्स खरीद सकते हैं आप। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए और करवाने के लिए आप सबका दहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे